हैं हमारे सामने सबसे आदरणीय बुजुर्ग श्री आदरणीय नरेंद्र बुजुर्ग सिंह। बुजुर्ग हाँ तो हमारा से मानू बुजुर्ग, अच्छा उनके बगल में बैठे हैं सबसे छोटे अनुज जय प्रकाश सिंह, और साइड में बैठे हैं श्री सत्येंद्र नाथ सिंह। इन लोगों से बड़ा एक प्रश्न पूछा जा रहा है, देखते हैं क्या उत्तर आता है। आप ये बताइए, जो भैया सुनो ध्यान से, जो आप जानते हैं कि समय के हिसाब से धरती का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, आदमी की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। मैंने आज से 50-60 साल पहले भारत का पॉपुलेशन 80 करोड़ था, है आज 2017 है, तो 2017 में शशि तुम ही बैठ जाओ, अरब हो गया। लगभग 120 अरब हो गया है ना। तो आप ये बताइए, ऐसा लोग कहते हैं कि एक आदमी के पास कितनी आत्मा होती है, एक ही होती है ना, हर एक आदमी के पास आत्मा एक ही होती है ना भैया। एक ही होती और क्या। तो आप ये बताइए कि इस हिसाब से क्या आत्मा का ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है। रोबोट जैसा हो गया कि आप रोबोट बताइए। अपने हिस्से वापस ले ले होती है ना, तो वही तो बोल रहे हैं, मनुष्य में ही होती है। वही तो हम बता रहे हैं आपको कि जैसे आदमी है, आदमी की शादी होती है, उसके बाद नया बच्चा पैदा होता है, तो आत्मा है जैसे कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आत्मा का भी तो पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, तभी तो आदमी में एक्स्ट्रा आत्मा आएगा। मान लीजिए कि शुरू में 100 आदमी है, तो 100 आदमी को 100 आत्मा है ना। आज के डेट में 50 आदमी हो गया, तो उस 50 आदमी को 50 आत्मा चाहिए ना। आए कैसे आत्मा बढ़ गई, आदमी की संख्या पहले से बढ़ गई है ना। 100 से 50 हो गया, नहीं 10, अच्छा गलत बोल दिए, 100 से 500 हो गया। तो यदि 100 से 500 हो गया, तो इसका मतलब यदि 500 आत्मा है, तो आदमी है तो 500 आत्मा चाहिए। वो तो महाशक्ति से आ रहा है ना, तो महाशक्ति से कैसे आएगा। महाशक्ति से तो जैसे रोबोट बनाया वो, हाँ रजनीकांत के पिक्चर में, हाँ 1 से 5, 5 से 10, 10 से 50, 50 से 500। नहीं तो प्रोसेस क्या है, इसे आदमी तो शादी करके बच्चे को कोई समझ नहीं पाया, तो वैज्ञानिक भी हल समझ पाया, वैज्ञानिक भी नहीं बता पाया आत्मा कहाँ गया। ये तो भगवान के ऊपर है, भगवान अपना अंश दे रहे हैं, हाँ उससे आगे जनसंख्या बन रही है। नहीं वही तो ठीक है, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये जैसे आदमी की जो आदमी की जनसंख्या बढ़ती है, वो शादी के बाद बढ़ती है, शादी के बाद आती है, प्रोसेस है। हाँ। तो उसी तरह से आत्मा भगवान का प्रोसेस है। हाँ तो भगवान का प्रोसेस कैसे है, वो कौन सा प्रोसेस है। तो शक्ति आ रही है, अब वापस शक्ति वहीं चली जाती है। हाँ? जो आत्मा जो आती है, हाँ अब वैसे ही आत्मा चली जाती है वापस, हाँ भगवान में विलीन हो गई, फिर वापस भगवान अंश बनाएंगे देंगे। तो नहीं तो वो प्रक्रिया क्या है, जिस कारण से जिस तरह आदमी शादी करता है, शादी के बाद जनसंख्या बढ़ती है, तो आत्मा के जनसंख्या के बढ़ने की प्रक्रिया क्या है। ये तो ये थोड़े ना है कि सिस्टम समझने में बहुत टाइम लगेगा, ये थोड़े ना है महाभारत वाला सिस्टम थोड़े ना है कि सूरज आए और कुंती को मंत्र मारे और बच्चा पैदा हो गया। ये तो शारीरिक भगवान ने शक्ति दे रखा है। तो वही बोले ना कि हम लोग की शारीरिक प्रक्रिया है। तू कहा है मास्टर साहब, हाँ देखो मास्टर साहब के तारा तारा भी बेतु का सवाल भाई, भाई सवाल सवाल में तू कहा होगा, सवाल में तू कहा होगा। प्राकृतिक चीज है ना, प्राकृतिक प्रकृति ने बना रखा है। प्रकृति कहाँ से बनाई, आदम से शुरू हुआ, आदम हवा से मिला के चालू हुआ, तो वहाँ से चलता आ रहा है ना। नहीं तो वो तो ठीक, तो मानने की बात होगी ना, लेकिन मानना ही पड़ेगा, तो मानना ही पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं पड़ेगा। अच्छा तो आपसे हम अगला सवाल पूछते हैं। धन्यवाद। ए भैया उपेंद्र भैया, भैया से अगला सवाल पूछते हैं। आप ये बताइए, एक सवाल में तो आप टॉप कर गए। हाँ। अगला सवाल है, आपको गिनती आती है, आती है 1 से 10 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये बताइए, 2 1 के बाद क्यों आता है, 2 1 से पहले क्यों नहीं आता। 1 + 1 = 2 नहीं, जो 2 है, 2 आप 1 2 बोलते हैं, बोलते हैं ना, तो आप 2 1 के बाद क्यों बोलते हैं। ये भी
प्रकृति का बनाया हुआ सब प्रकृति का होता है, एक ही दो होता है, तो हम यही तो बोलते हैं, तो एक थोड़े होगा, ये थोड़े ना बोल रहे हैं, एक एक दो, एक तीन, अच्छा एक चार, अच्छा ये बताइए एक प्लस दो क्या होता है, वन प्लस टू, वन प्लस टू थ्री, फोर क्यों नहीं होता, फोर कैसे हो सकता है, तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बेतुका सवाल है भाई, ये हमारे यहाँ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में सात दिन होते हैं, सात दिन क्यों होते हैं, आठ दिन क्यों नहीं होते हैं, ये तो बड़ी गड़बड़ है, तुम नेगेटिव बात कर रहे हो भाई, गलत, क्लोज द गेम, क्लोज द गेम, क्लोज द गेम, पगलाने वाले, ये एक के बाद दो क्यों आता है, दो के बाद एक क्यों, ये बताइए सात दिन क्यों होते हैं, आठ क्यों नहीं होते, हाँ क्यों नहीं होते, आप ये बताइए जो महीने में कितने दिन होते हैं, अच्छा एक सवाल और है, जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे अंधकार नहीं होता है, और जहाँ पे अंधकार होता है वहाँ पे लाइट नहीं होती है, क्यों ऐसा, तू बताओ शशि, लाइट भी तो रिफ्लेक्शन है, नहीं जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे अंधेरा क्यों नहीं होता है, लाइट होते ही अंधेरा भाग जाता है, क्यों भागता है, ये भी साइंटिस्ट चीज है, क्योंकि वैज्ञानिक चीज है, रोशनी देते हैं, इसलिए बनाया गया अंधेरे को भगाने के लिए, किसने बनाया, विज्ञान वैज्ञानिकों ने बनाया ना, कौन वैज्ञानिक, नाम बताइए, और ये नहीं याद है, और बताइए नदी के, नदी के दो किनारे हैं वो आपस में क्यों नहीं मिलते, बीच में नदी होती है, होते लेकिन किनारों को तो मिलना चाहिए, जैसे रेल का पटरी नहीं, जैसे रेल का पटरी नहीं मिल सकता उसी तरह किनारा नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बताओ भैया इंजीनियर साहब, ये असंभव है, आप बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मिलेगा तो वही नदी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो नहीं मिलता, समुद्र में जाके मिल खत्म हो जाए, समुद्र में जाके मिल गई नहीं लगे, किनारे आपस में क्यों नहीं मिल सकते, जब धारा चल रही है, अच्छा एक चीज और बताइए, नदी क्या रहेगी, धारा बंद होगा तो किनारा मिल जाएगा, जो समुद्र है बंद हो गया ना, सरस्वती सरस्वती नदी के किनारे मिल गए, अच्छा ये बताइए जो समुद्र है, समुद्र के का जो पानी है, पहले पहला सवाल खत्म, कहाँ खत्म हुआ, आंसर नहीं मिल रहा, नदी का बताया आपको, हाँ पता है, विलुप्त हो गई, विलुप्त हो गई क्योंकि किनारे मिल गए, हाँ वो सवाल खत्म, नहीं कहाँ सवाल खत्म हुआ, आप एक नदी का बताएं, मिल गया, गंगा नदी का पूछ रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे सारे बंद हो जाने वाले हैं, हम तो गंगा नदी का पूछ रहे हैं, गंगा नदी में भी वही हाल हो रहा है, अच्छा ये बताइए जो पानी है, पानी ठंडा होने पर बर्फ क्यों बन जाता है, पानी ठंडा होने में बर्फ बनना ही चाहिए, ठंडा का क्यों प्रकृति, क्यों बन है प्रकृति, क्यों है ऐसी, ठंड होगा तभी तो बर्फ होगी, आग जलाती क्यों है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया, और क्या पानी भिगाता क्यों है, पानी भिगाता क्यों है, पानी पानी का रोल ही भिगाने वाला है, तो रोल ऐसा क्यों बनाया गया, तुम्हारा रोल क्या है पहले ही बताओ, यही प्रश्न पूछना मेरा रोल है सही प्रश्न पूछना पगलाना तो हो गया।